शिवसेना आणि भाजपच्या संदर्भात दोन्ही पक्षातले नेते बोलणं टाळत आहेत, पक्षश्रेष्ठी निर्णय घेतील असं सांगण्यात येत आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी मात्र युतीची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. दोन्ही पक्षांनी काँग्रेसची खेळी लक्षात घ्यावी आणि एकत्र यावं असंही ते म्हणाले. मुंबई और महाराष्ट्र और भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का हित है कि दोनों अगर साथ में रहते हैं और जो भी निर्णय जनता ने दिया है उसके आधार पर काम करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा, ऐसा मुझे लगता है. पर इसका अंतिम निर्णय आखिर दोनों पार्टी के नेताओं ने, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे जी ने, दोनों भी मैच्योर्ड है और सूझबूझ रखने वाले हैं, उन्होंने उचित निर्णय करना चाहिए. कांग्रेस की नीति है कि वो सरकार को गिराना चाहती है और इसलिए कांग्रेस ये भी कहने के लिए तैयार है कि हम लोग शिवसेना को बाहर से सपोर्ट करेंगे या एब्सेंट रहेंगे. या और एक बार अगर ये अलायंस टूट गई, सरकार टूट गई, तो फिर चुनाव होगा तो उसमें कांग्रेस एनसीपी जीत के आ गया ऐसा उनको लगता है. तो इसलिए उनका शिवसेना और भाजपा के हित में या महाराष्ट्र और मुंबई के हित में कोई नीति नहीं है. उनके स्वार्थ के लिए वो सरकार गिराना चाहते हैं, उसकी उनकी स्ट्रेटेजी है. उससे दोनों पार्टी, बीजेपी और शिवसेना, ने सावध रहना चाहिए. नितीन गडकरी यांची ही जी प्रतिक्रिया आहे, सुरुवातीपासून इनफॅक्ट ते असं म्हणत होते की युती ही झाली पाहिजे आणि आपल्याला लक्षात घेतलं पाहिजे की जेव्हा पहिल्यांदा युती अस्तित्वात आली 20 वर्षांपूर्वी तेव्हा नितीन गडकरी, प्रमोद महाजन आणि बाळासाहेब ठाकरे हे या युतीचे शिल्पकार होते. त्या काळातले नितीन गडकरींचे अनुभव आणि त्यातून ते आत्ता म्हणतात की युती नैसर्गिक पक्षांनी एकत्र येऊन ही युती झाली पाहिजे.